हेलो गाइस, कल हमने फर्स्ट पार्ट में इतना लेसन डिस्कस किया था. आज हम इसे अगले वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड, फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट. प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ शीट्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन ब्रंट्स. डिड दे सर्वाइव इन चेयर्ड फॉर्म. वो कहते हैं कि मतलब कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो देखते हैं हड्डियाँ हैं वो किसकी हैं, पशुओं की हैं, पक्षियों की हैं या फिर मछलियों की हैं, क्योंकि लोग जो है उस टाइम पे इनको खाते थे. तो वो देख रहे हैं कि वो हड्डियाँ किस चीज़ की हैं, क्योंकि जो जो प्लांट्स के जो जो जैसे पेड़ पौधों के जो साक्ष्य हैं वो लंबे टाइम तक नहीं रह सकते, वो समय के साथ जो है वो जल जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं. हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडीड इन द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंडेड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजी. वन शोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर्स एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट. सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दीज शोर्स लाइक क्लू टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट. इसके लिए जो हमारे जो इतिहासकार हैं या फिर जो पुरातत्वविद हैं वो हर किसी साक्ष्य को पढ़ रहे हैं जो कि पाए गए हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट पाई गई हैं, इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, हर किसी को वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बता सके. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जो हमारे हिस्टोरियन, जो इतिहासकार, जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अगर कोई भी थोड़ा सा भी सोर्स मिल जाए तो वो उस चीज़ से हमारे पास्ट को जान लेते हैं. वन पास्ट और मैनी, क्या हमारा एक ही पास्ट है या फिर ज़्यादा है. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट. वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रा अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. अब हमारा जो बुक का टाइटल है पास्ट नहीं है, पास्ट है, एस लगाया गया है, जो कि हमारी जो है प्लूरल फॉर्म में है. इससे हमारा जो ध्यान है वो अट्रैक्ट होता है. क्यों होता है? कि भाई ये सिर्फ पास्ट एक आदमी का नहीं है, ये बहुत सारे आदमियों का पास्ट दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल्स द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वीन. द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन. वो कहता है कि किस प्रकार जो जीवन है वो पशुपालकों का, किसानों का जो है राजा और रानी से अलग है, और किस प्रकार व्यापारियों का जीवन जो है वो एक शिल्पकारों से अलग है. ऑल्सो इट इज़ इन True today, people follow different practice and custom in different part of our country. और ये सच भी है कि अलग अलग जगहों पर हमारे देश में अलग अलग हमारे रीति रिवाज है. For example, today most people living in the Andaman Islands gets their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on other for supplies of food. Differences such as these exist in the past. वो कहता है कि आज भी डिफरेंस है. जैसे कि आप देख लो, अंडेमान आइलैंड में जो रहते हैं वो अपने भोजन के लिए फिशिंग पर मतलब कि मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फिर जंगलों से इकट्ठा करते हैं. और जो लोग शहरों में रहते हैं वो भोजन पर निर्भर है कि कोई भोजन को सप्लाई करेगा, वो तब भोजन खाएंगे. तो ऐसा ही सेम जो है हमारे अतीत में भी एग्जिस्ट करता था. बिसाइड देर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज. और हमें जो है राजाओं की जीतों के बारे में पता चलता है कि वो लड़ाइयाँ करते थे क्योंकि उन्होंने अपने रिकॉर्ड को रखा हुआ है. जनरली ऑर्डनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फॉग गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ दे डिड. वाइल आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइफ दैट इट मस्ट दैट रिमेन्स अननोन. मतलब कि हमें राजाओं के जीवन के बारे में तो पता है कि उनका जीवन कैसा था, कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, लेकिन जो आम आदमी है उनके जीवन के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है. लेकिन फिर भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उनके जीवन के बारे में जान रहे हैं जो उनका अननोन जीवन है. वट टू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब है? इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मैंशन द डे, मंथ, ईयर, 2000 एंड समथिंग. These year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. मतलब कि आज अगर हमारे से कोई डेट के बारे में पूछता है तो हम फिक्स बताएंगे कि इतना डेट है, इतना मंथ है. लेकिन पहले ये डेट कहाँ से काउंट हुई है? ये जो है जीसस बर्थ से, जो जीसस क्रिस्ट है उसके जन्म से लेकर काउंट होती है, जो कि क्रिस्टनिटी का फाउंडर है. सो 2000s means 2000 year after the birth of Christ, जो 2000 का मतलब है तो कि जो है क्रिस्ट के जन्म के 2000 बाद. All date before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC. और जो क्रिस्ट के जन्म से पहले पैदा हुए हैं उनको जो है backward कहा जाता है, counted backward, BC के नाम से जानते हैं. In this book we will refer to dated going back from the present using 2000 as our starting point. क्योंकि हम जो है इसको जो 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं. ये जैसे इंस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं, जैसे बोलियाँ हैं, लिपियाँ हैं, कुछ जो पाए गए हैं ना उनमें से मिली हैं. ये देखते हैं इनमें क्या है.
Elsewhere है ये, we have seen that inscription are inscribed on hard surface. Many of were inscribed several hundred of years ago. All inscription contain both script and languages. Languages which were used as well as script have changed over time. So how do scholars understand what was the inscribed? This can be done through a process known as discoverment. One of the most famous stories of discoverment comes from Egypt, a country north Africa where there are kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is town in the north coast of Egypt. Here an inscribed stone was found which contained inscription in the three different languages and script, Greek and two form of Egyptian. Scholar who could read Greek figured out that names of king and queen were enclosed in a little frame called a cartilogue. Cartouche. They can place the Greek and Egyptian sign side by side. The identification, the sound for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew what the letter stood for, they could read the other inscription as well. कहता है कि समय के अनुसार हर चीज़ बदल रही है, लैंग्वेज भी चेंज हो रही है, जो इंस्क्रिप्शन है वो भी चेंज हो रही है. अब ऐसा ही जो है एक इजिप्ट में पाया गया है, रोजेटा एक टाउन है वहाँ पाया गया है, उसमें जो है एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन पे जो है तीन लैंग्वेज हैं, ग्रीक की है और टू फॉर्म इजिप्शियन की है. अब कोई राजा का फिगर है तो कोई क्वीन का है, तो उसमें कोई क्लियर नहीं हुआ. जैसे कोई एल है तो लोयन के लिए यूज़ किया गया है, ए बर्ड के लिए यूज़ किया गया. अगर हम उस लेटर को भी जान लें कि वो किस किस के लिए यूज़ होता है तो हम शायद उन इंस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक रहस्य ही है. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. आज हमने अपना लेसन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया है, टू पार्ट्स में. टू पार्ट्स को ज़रूर देखें. तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.